और अब इस बीच खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी डॉक्टर से रंगदारी मांगी गई है। बड़े सर्जन डॉक्टर शिवशंकर शाही से ये रंगदारी मांगी गई है। तो शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक हैं। आपको बता दें कि शिवशंकर शाही सीएम ने उनके हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी सुविधा का लोकार्पण किया था। बदमाश ने रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी है। तो सर्जन शिवशंकर सहित कुल तीन लोगों से रंगदारी मांगी गई है और तीन लोगों को फोन करने के बाद दरअसल रंगदारी मांगने के लिए फोन किया गया और उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। पांच दिन में लोगों को फोन कर रंगदारी मांगी गई है। आपको ये भी बता दें कि रंगदारी मांगने वाला रामेश्वर यादव का नाम ले रहा है। 50,000 का इनामी बदमाश रामेश्वर यादव और रामेश्वर यादव का नाम लेकर ही इन तीनों लोगों से रंगदारी मांगी गई है। तो ग्रामीण अंचल में भी रंगदारी मांगी जा रही है। व्यापारी और पूर्व प्रधान से 2,00,000 की रंगदारी मांगी गई है। बांस गांव के कतरारी गांव का रहने वाला है व्यापारी। आपको बता दें कि रंगदारी मांगने वाला खुद को देवरिया का निवासी बता रहा है। जेल में बंद संजय यादव को पैसे देने की बात की जा रही है। तो ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां ग्रामीण अंचल के साथ साथ कई और इलाके हैं जहां पर रंगदारी मांगने की बात लगातार सामने आ रही है। तो लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी, बेहद करीबी माने जाने वाले सर्जन से भी रंगदारी मांगी गई है। सर्जन डॉक्टर शिवशंकर शाही से फोन पर ये रंगदारी मांगी गई है। शिवशंकर शाही को फोन किया गया है और उसके बाद उनसे रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी ना देने पर गोली मारने की भी धमकी दी गई है। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक हैं। आपको बता दें कि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद करीबी माना जाता है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे और उनसे रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीरियस भी शुरू करेंगे। मेरे सहयोगी हरिंद्र जुड़ चुके हैं। हरिंद्र, लगातार ऐसे कई मामले सामने आए हैं और अब बेहद ही चौंकाने वाला मामला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी शिवशंकर शाही से भी रंगदारी मांगी गई है। अंजलि, हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर शिवशंकर शाही से जब हमारी वार्ता हुई अभी अभी, तो डॉक्टर शिवशंकर शाही कह रहे हैं कि 14 जून को मुख्यमंत्री द्वारा जो है कि इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाता है और 28 जून से लगातार रंगदारी की मांग की जा रही है। ये 28 को जब उनके पास पहली बार फोन आया तो इग्नोर कर दिए, 29 को दोबारा आया उसको भी इग्नोर कर दिए, 2 तारीख को जब उनके पास तीसरी बार फोन आया तब जाकर के वो जिले के आला अधिकारियों से मिले हैं और मुख्यमंत्री को ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री के जो है कि पर्सनल सेक्रेटरी से भी बात हुई है उनकी। उनका ये मानना है कि जो है कि कहीं राजनीतिक देश तो नहीं कहीं कोई चीज। जब उनसे भी बात की गई कि कहां से आपके पास फोन आया, तो उनका कहना है कि जब अधिकारियों से बात हुई है तो गोरखपुर जेल एक बैरक बताया जा रहा है, बैरक से फोन आया था। हाँ। लेकिन अभी पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इनके ट्वीट करने के बाद और मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी से बात करने के बाद पुलिस महकमे में गोरखपुर जिले महाकंप मची हुई है। इस समय जिले के आला अधिकारी ग्लोबल हॉस्पिटल डॉक्टर से संपर्क साध रहे हैं और उनके वहां छानबीन कॉल ट्रेस किया जा रहा है कि आखिरकार ये फोन किसका है और कहां से आया है। जी शुक्रिया हरिंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं